कन्नौज में एसपी नेता नवाब यादव पर रेप की कोशिश का आरोप लगाने वाली नाबालिग का आज मेडिकल करवाया गया। माता पिता की मौजूदगी में पुलिस ने जिला अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप कराया। वहीं किशोरी के माता पिता ने लड़की की बुआ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबालिग के माता पिता ने बुआ और नवाब यादव के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। वहीं मेडिकल रिपोर्ट बंद लिफाफे में पुलिस को सौंप दी गई। किशोरी के साथ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में एसपी नेता को कल 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था। बुलंदशहर में सरकारी कर्मचारी पर मासूम नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। घटना की वीडियोग्राफी और सैंपलिंग की गई। पुलिस ने आरोपी एडीओ को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना अहमदगढ़ इलाके का है। वहां घर पर एक बच्ची को अकेला पाकर, उस परिचित की बच्ची को अकेला पाकर इसने उसे मोलेस्ट किया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही में एक बकरी के साथ भी इसने वहां पे कुकृत्य किया है।